फ्रेंड्स, कविता स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे ब्लाउज कटिंग करना। तो ये देखिए, ये है इसका ब्लाउज पीस। ब्लाउज पीस पर ही कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, इसको हम इस तरह से खोल देंगे। खोलने के बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे। चाहे तो इधर से भी कर सकते हैं या इधर से भी कर सकते हैं। तो पहले मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। इसका सीना होगा 34 इंची, इसका लंबाई होगा 14 इंची। इसका लंबाई 14 इंची होगा, इसका सीना होगा 34 इंची, इसका कमर होगा 30 इंची, आगे का गला होगा 6 इंची पर, पीछे का गला होगा 10 इंची पर। तो कैसे हम बनाते हैं वो आप लोग देखिए और सीखिए। इसका बाजू का लंबाई होगा 5 इंची। तो इसको हम यहाँ से ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। इसका सीना 34 इंची है, तो 1/4 हम यहाँ से ऐसे करके देखेंगे। पहले हम इसका लंबाई देख लेते हैं। तो देखिए, इसका लंबाई है 15 इंची, तो ये बिल्कुल ठीक है। 1 इंची हमारा फोल्ड में जाएगा। यहाँ से हम इसको ऐसे करके देखेंगे, इसका 1/4 8.5 इंच, 34 का 1/4 हम 8.5 इंच। इसमें हम 2 इंची सिलाई मार्जिन लेंगे, यहाँ पर निशान लगाएंगे। इसी के निशाने से यहाँ पर हम इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पर हम इसको, ये देख सकते हैं, इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद ये हम कपड़ा कटिंग करके निकाल देंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से। इसको हम ऐसे करने के बाद यहाँ से हम इसको ऐसे खोल देंगे। आगे पीछे का पल्ला हम एक साथ ही कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से रखिएगा ना, तो आपका आर्म होल भी बिल्कुल ठीक से कटिंग हो जाएगा, गला भी बिल्कुल ठीक से हो जाएगा। इस तरह से आसान रहता है। ये देखिए, कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, जैसे कि रखल। तो इसको मैं पहले सीधा कर दूंगी। अब यहाँ से हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। जब भी हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो आगे का पल्ला हमारा 1 इंची बड़ा रहेगा और पीछे का पल्ला 1 इंची छोटा रहेगा, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। ये देखिए, ये आगे का है, नीचे वाला पार्ट वो 1 इंची बड़ा है, और पीछे का है ऊपर वाला, तो देख सकते हैं 1 इंची छोटा है। क्योंकि आगे के पल्ले में टेकिंग वगैरह पड़ता है तो ये कपड़ा तनता है, खींचता है, तो इसके लिए। नहीं तो हम दोनों पल्ले बराबर रखेंगे तो हमारा आगे का पल्ला छोटा पड़ जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए, यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से 1/4 8.5 इंची यहाँ निशान लगाएंगे, यहाँ पर भी 1/4 इसको हम बराबर करते हुए रखेंगे, यहाँ से भी हम 8.5 इंची। अब यहाँ से हम इसका तीरा लेंगे, यहाँ से हम ऐसे करके 5 इंची यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब हम इसका काखी का आर्म होल लगाएंगे, यहाँ से ऐसे करके 5.25 इंची। 5 इंची भी ले सकते हैं, 5.5 भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर 5.25 इंची ले रही हूँ। यहाँ से भी ऐसे करके 5.25 इंची। इसका आर्म होल ज्यादा नहीं बड़ा बनाना है इसलिए। अब यहाँ से हम इसको ऐसे करके देखेंगे, आगे पीछे का पल्ला एक साथ ही कटिंग हो रहा है, तो हम यहाँ से 1 इंची पर इसका गोलाई बनाएंगे। ये देख सकते हैं कैसे बनाना है। यहाँ पे जितना है उसका हाफ कर देंगे और यहाँ पर भी इसका हाफ कर देंगे। इसी बीच में हमको ऐसे करके गोलाई बनाना है। ये देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ से इसको ऐसे लाना है और यहाँ से थोड़ा सा डाउन कर देना है। अब हम यहाँ से ये पीछे का गला बनाएंगे। गला के लिए हम गला पट्टी लेंगे, यहाँ से गला के लिए कपड़ा यहाँ पर 2.25 इंची, क्योंकि हम इसमें डोरी लगाएंगे और गला भी हमारा बड़ा है, 10 इंची है, तो इसमें हम डोरी बनाएंगे। अब यहाँ से हम पीछे का गला लेंगे, यहाँ से ऐसे करके 10 इंची यहाँ निशान लगाएंगे। आगे का गला हम बनाएंगे 6 इंची पर। देखिए, यहाँ से तीरा के ऊपर से लेना है और यहाँ पर ऐसे करके 6 इंची यहाँ निशान लगाना है। ये बिल्कुल हो गया। अब हम यहाँ से ऐसे करके ऊपर हम लिए हैं 2.25 इंची, तो नीचे हम लेंगे 2.5 इंची। 2.5 इंची भी ले सकते हैं, 3 इंची भी ले सकते हैं, क्योंकि नीचे फैलाव देना बहुत जरूरी रहता है, तो हमारा गला फिनिशिंग के साथ बनता है। ये देख सकते हैं इस तरह से। इसको हम यहाँ से ऐसे करके गोलाई बनाएंगे। ये देख सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा के नजदीक से यहाँ से ऐसे करके देखिएगा, जब इसका कटिंग होगा तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसका कटिंग होगा।
अब यहाँ से हम इसका नीचे का यहाँ से हम इसका टेकिंग लेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ से 8.5 है, इसको हम यहाँ पर ऐसे करके हाफ कर देंगे। ये देख सकते हैं यहाँ निशान लगाएंगे। अब हम इसको यहाँ से इसका टेकिंग का उठा देंगे यहाँ से 4 इंची पर। यहाँ से उठा देने के बाद आधा इंची हम इधर दबाएंगे, आधा इंची इधर दबाएंगे। इसको हम यहाँ से ऐसे निशान लगाएंगे। देख सकते हैं जिस तरह से हमारा ये टेकिंग का निशान लगाए हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम इसको सिलाई के समय भी ऐसे ही करके लाना है। यहाँ से ज्यादा लाना है, यहाँ पर नोकी निकाल के बनाना है, तभी आपका ब्लाउज फिनिशिंग के साथ बनेगा। ये देखिए पूरा निशान लग चुका है। अब हम इस पर इसको कटिंग कर देंगे। इस तरह से बनाइएगा, आपका ब्लाउज कभी भी नहीं खराब होगा, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन के तैयार होगा, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं होगा। अगर आप इसका स्टिचिंग का देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिएगा, हम इसका स्टिचिंग का भी बनाएंगे। ये देखिए पीछे का गला कटिंग हो रहा है। अभी यहाँ तक हम इसको कटिंग करेंगे, इस पार्ट को, पीछे वाले पार्ट को हम यहाँ पर हटा देंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से, ये देखिए यहाँ से हमारा आगे का गला है, यहीं से हम गोल गला बना रही हूँ। आप चाहे तो आप अपना हिसाब से जो भी डिजाइन गला बनाना होगा भी ले सकते हैं, या पान गला भी ले सकते हैं, या नॉर्मल गोल भी ले सकते हैं। ये देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ से हम इसका आगे पीछे का पल्ला कटिंग करके निकाल देंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से, ये हो गया हमारा आगे का और ये हो गया हमारा पीछे का। ये देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसको हम यहाँ से ऐसे करके लेना है और यहाँ पर एक कट का निशान लगा देना है, ताकि जब हम इसको सिले तो इसको हमारा दोनों तरफ से ये कट वाला निशान आ जाएगा, तो हमारा फिनिशिंग, हमको इधर उधर टेकिंग नहीं होगा, हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बराबर आएगा। तो इस तरह से पीछे का पल्ला हो गया। अब हम आगे के पल्ला में देखिए टेकिंग वगैरह कैसे लगाते हैं। ये देख सकते हैं इस तरह से, इसको हम यहाँ पर ऐसे करके रखने देंगे और आधा इंची हमको यहाँ पर बाजू में आर्म होल में इसको कटिंग करना होगा। आधा इंची यहाँ से हम इसको लेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे बिल्कुल नजदीक से ही इसको इस तरह से देने से ना यहाँ पर चून वगैरह किसी किसी का हो जाता है, तो ये शिकायत आपको नहीं रहेगा। अब यहाँ से हम इसको ऐसे कर देंगे। अब यहाँ से हम इसका बनाएंगे, यहाँ से इसका ले लेते हैं फिटिंग का 8.5 इंची। ये देख सकते हैं यहाँ पर 8.5 इंची आ रहा है, यहाँ से निशान यहाँ तक हम लगा देंगे। अब हम यहाँ से लेंगे ऐसे करके, देख सकते हैं तीरा के ऊपर से 10.5 इंची, यहाँ से 10.5 इंची पर हम यहाँ से ऐसे निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से इसको देखेंगे 8.5 इंची बिल्कुल ठीक है, यहाँ से हम इसको हाफ कर देंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है, तभी हमारा टेकिंग बीचों बीच आएगा, नहीं तो हम इधर उधर से ले लेंगे। कितना लोग क्या करते हैं, इधर से 3 इंची नाप लिए, 2.5 इंची नाप लिए और इसका टेकिंग बना देते हैं, तो ये टेकिंग बिल्कुल खराब हो जाएगा। इस तरह से बनाइए, बिल्कुल बीचों बीच आएगा आपका। यहाँ से हम इसको ऐसे कर देंगे। ये वाला नीचे वाला टेकिंग जो बनता है वो 1.5 इंची पर बनता है, तो आप जब भी बनाए तो ऐसे करके 1.5 इंची पर बनाए, 1.5 इंची यहाँ पर रखना है बीचों बीच और इसका टेकिंग का निकालना है। ये देख सकते हैं यहाँ से हम इसको ऐसे बनाएंगे और यहाँ से ऐसे बनाएंगे, ये हो गया। अब इसको लेने के बाद हम यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ से 2 इंची हम इधर लेंगे। आप चाहे तो 2 इंची भी ले सकते हैं, या उंगली से भी ऐसे करके 3 उंगली से भी बना सकते हैं, यहाँ से 3 उंगली इधर, यहाँ से 3 उंगली इधर और यहाँ से देखिए 3 उंगली यहाँ पर, तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। मैं यहाँ पर ऐसे करके 2 इंची बता रही हूँ, 2 इंची ही बिल्कुल परफेक्ट रहता है, यहाँ से भी 2 इंची, यहाँ से भी ऐसे करके 2 इंची। इस तरह से बनाने से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपका बनके रेडी होगा। ये देख सकते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल इसका टेकिंग का चारों टेकिंग बिल्कुल बराबर में है, कोई इधर उधर नहीं है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे करके, पूरा निशान लग चुका है, इसको हम बराबर रखेंगे और इसका पहले हम ये वाला कटिंग कर देंगे।
ये देख सकते हैं, इसको हम ऐसे रखेंगे और यहाँ से हम इसको ऐसे कटिंग करेंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से। अब हम इसका आर्म होल लेंगे बाजू कटिंग करने के लिए। तो यहाँ से हम इसको ऐसे करके देखेंगे, यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक हम देखेंगे 8 इंची आ रहा है। 8 का हम डबल करेंगे तो 16 इंची का हमारा बाजू का आर्म होल होगा। तो इसको हम यहाँ से ऐसे लेंगे, सेम इधर भी निशान लगाने के लिए इसको हम यहाँ से ऐसे रखेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही लेना है आपको, जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, तभी आपका फिनिशिंग के साथ बनके रेडी होगा। आपको और भी कुछ सीखना होगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम वो आपको बताएंगे, सिखाएंगे कैसे कटिंग करना है, स्टिचिंग करना है। और ये देखिए बिल्कुल हल्का हल्का हो गया है, इसी पर हम इसको डार्क कर देंगे। ये देख सकते हैं आगे से हम खुला बनाएंगे, यहाँ से आई हुक बनाएंगे, तो इसको हम यहाँ से ऐसे करके कटिंग कर देंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से। अब इसको भी हम साइड कर देंगे। अभी हम यहाँ से ये देखिए कपड़ा से हम बनाएंगे बाजू। तो ये बाजू हम बनाएंगे 4 फोल्ड में। तो ये देखिए 2 फोल्ड और 2 फोल्ड, 4 फोल्ड हो गया। अब हम इसको यहाँ से ऐसे रखने देंगे। अब हम यहाँ से इसका ऐसे करके देखेंगे, चौड़ाई 7.5 इंची आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हम 1 इंची लेंगे नीचे से सिलाई या तुरपाई के लिए। तो 1 इंची यहाँ पर, 1 इंची यहाँ पर, इसको हम यहाँ से इस तरह से सीधा कर देंगे। देख सकते हैं बिल्कुल इजी और आसान तरीका है। अब यहाँ से हम लेंगे 5 इंची, 4.5 इंची पर इसका तैयार होगा। यहाँ से भी 5 इंची। अब यहाँ से हम इसको लेंगे ऐसे करके 2.5 इंची पर हम इसका फिनिशिंग के साथ इसका शेप बनाएंगे। तो यहाँ से हमको इसको ऐसे लेना है, ये देख सकते हैं इस तरह से। इसको हम यहाँ से ऐसे करके देखेंगे, यहाँ पर 8 इंची आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा। इसको हम यहाँ से ऐसे करके कटिंग कर देंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से ये वाला कपड़ा हम कटिंग करके निकाल देंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से। अब इसको हम कपड़ा को, ये देख सकते हैं इस तरह से हम इसको लेंगे। अगर आपका कम कपड़ा है तो यहाँ से हम इसको ऐसे देख सकते हैं 1/2 इंची हम ऊपर चढ़ा के रखेंगे, यहाँ से ऐसे करके, ताकि हमारा 1/2 इंची ये सिलाई मार्जिन में दब जाएगा। इसको हम यहाँ तक रखेंगे, जोड़ देंगे। ये 4 पल्ले है, ये भी 4 पल्ले है। अब देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका से यहाँ से आ गया 8.5 इंची यहाँ तक, ये इतना तक के। अब इसका हम मोड़ी देखेंगे। तो इसका मोड़ी हम लेंगे यहाँ से ऐसे करके 5.5 इंची। तो यहाँ निशान लगाएंगे और इसको हम यहाँ से ऐसे बनाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ से ऐसे बनाएंगे। तो इसको हम इतना, ये हो गया, इसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं। अब इसको हम यहाँ से लेने के बाद हम इसको यहाँ से खोल देंगे। ये देख सकते हैं ये वाला, यहाँ से इसको भी हम खोल देंगे। अब हम यहाँ से, ये देखिए ये हमारा बीच का सेंटर है। अब इसको हम 1/2 इंची और कटिंग करेंगे। कैसे करना है बिल्कुल आसान है। यहाँ से हम इसको ऐसे करके लेंगे, ये देख सकते हैं यहाँ तक। ये बीच सेंटर से थोड़ा सा इधर ही लेना है, इसको हम यहाँ तक कटिंग कर देंगे। आपका कोई चुन्नट वगैरह कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही इसको स्टिचिंग करने में और ना ही इसको पहनने में, ये बिल्कुल फिटिंग आएगा। तो ये देखिए यहाँ तक हो गया। अब हम एक कट बीच सेंटर में लगा देंगे, ताकि हमारा जब सिलाई करे तो ये बिल्कुल तीरा के ऊपर आना चाहिए, बीचों बीच जहाँ पर हमारा आगे पीछे का पल्ला ज्वाइंट होगा वहीं पर आना चाहिए।
और ये कट यहाँ पर भी हम लगाएंगे ताकि जब हम ये ब्लाउज को बाजू को अटैच करें तो ये कटिंग वाला पार्ट हमारा आगे पल्ले में ही आना चाहिए। तो इस तरह से ये देखिए कटिंग कंप्लीट हुआ, बाजू का, आगे का पल्ला, पीछे का पल्ला। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।